बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी चीज थी इस साल वो कंपटीशन खेलना था इंटरनेशनल, और मैंने फेडरेशन में ही बात की और सभी से, और टॉप से साई से, फेडरेशन से, सभी जगह से, सभी ने अपना अपना सभी जगह से सभी ने अपना अपना सपोर्ट किया। और वो जो मुझे बीच में दो तीन इंटरनेशनल कंपटीशन मिले तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि यही सभी थे जिसके जिनके बीच में वहां पे कंपटीशन खेला। तो ऐसा ओलंपिक था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नए गेम्स में आ रहा हूँ या फिर बहुत बड़े गेम्स में। एक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इस टाइप का कि मैं बड़े थ्रोवर्स के बीच में खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि इनके साथ में पहले खेला हूं और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे काफी फोकस कर पा रहा था। तो शायद वही कारण है कि क्योंकि इंजरी के बाद काफी अप डाउन आए, तो आप सभी ने हेल्प की, और ये सभी आप सभी का मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है। और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू नीरज। वेरी लिमिटेड क्वेश्चंस विल टेक बिकॉज ही इज सिटिंग इन फॉर द डोप कंट्रोल। आई हैव फ्यू रिक्वेस्ट। तपस इज देयर? डीडी न्यूज तपस, तपस बता क्या रहे? यस यस आई एम हियर, यस आई एम हियर। कैन यू तपस हियर वन मी? हाय वन नीरज, क्वेश्चन। कैन यू हियर मी? हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाय नीरज, जब हम मिले थे आपसे साल के स्टार्टिंग में, हम बात कर रहे थे कि आपकी इंजरी कंसर्न थी आपको। आप एक एक बहुत ही एक ऐसे दौर से जा रहे थे जब आपको बहुत स्ट्रेस था। अब वहां से लेके यहाँ तक का सफर कैसा महसूस हो रहा है, इस मेडल को हाथ में लेके कितना आप लग रहा है कि ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड? काफी खुशी हो रही है, ये तो मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है। लेकिन हाँ बिल्कुल, वो टाइम आया था, थोड़ा इंजरी की वजह से बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी सभी का साथ रहा और अच्छे से रिहैब भी हुआ और इंजरी भी सक्सेसफुल, मतलब जो सर्जरी भी सक्सेसफुल होगी। तो थोड़ा टाइम लगा कम बैक करने में, जो मेरा 2019 का साल था बस उसकी थोड़ी सी वो पूरा खराब चला गया। मेहनत काफी की थी उसकी उस साल भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। फिर उसके बाद पूरा फोकस 2020 पे अपना ओलंपिक्स पे किया था, तो कोरोना की वजह से वो भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं धन्यवाद बोलता हूँ अपने फेडरेशन का और सभी अपनी गवर्नमेंट का कि हम वहां पे बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे वहां पे कॉम्पिटिशन भी मिले और मैंने वहां पे अपना क्वालिफाई भी किया। और मुझे याद है कि मैं इंडिया में 2019 में ओपन नेशनल हो रही थी, तो मैंने वहां पे एंट्री करवा ली थी और मेरी फ्लाइट टिकट भी थी। और मेरा बस ये था कि मन में कि मैं बस एक कोई कंपटीशन खेल लूं, क्योंकि इंजरी के बाद जो सभी मेडल जा रहे थे वो अपने डिस्टेंस के आसपास जा रहे थे, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या कुछ भी हो, बस मेरा ये हो रहा था कि मैं खेल लूं बस। तो मैंने सभी कुछ करवा लिया था। फिर आदिल सर से बात, आदिल सर का फोन आया कि नीरज तू ये कॉम्पिटिशन मत खेल, आगे ओलंपिक्स आ रहा है उस पर फोकस कर, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दी थी और मुझे लग रहा है कि वो शायद वो अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एथलीट को लगता ही है कि बस मैं खेल लूं जल्दी से। तो उसके बाद फिर अच्छी मेहनत रही और अच्छे से फिट होके फिर मैंने कंपटीशन खेले।